औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास BA इंग्लिश पार्ट वन। इसके अंदर हम जो है वो क्वेश्चन रीड आउट करेंगे पोएम व्हेन आई हैव फेयर का, जो है वो ये वाला व्हाट आर द पोएट फेयर्स, यानी कि बताना है कि शायर को कौन कौन से जो है वो खतरात हैं आ लगे। द पोएम व्हेन आई हैव फेयर इज एक पुरसोज नज़म है वह जॉन कीट्स की। शायर जो है वो इजहार करता है अपने ख्याल को अपनी जो है वो मौत के बारे में। ये ख्याल जो है वो साबित करता है, यानी कि दिस आइडिया, ये ख्याल प्रूव साबित हुआ सही बाद में। ही डाइज, वो मार गया जो है वो 3 साल बाद, ऑफ द राइटिंग ऑफ द, यानी कि लिखने के बाद ये जो है वो, ही इज अफ्रेड ऑफ डेथ, वो डरता था मौत से। इन केस ऑफ हिज डेथ, इस जो है वो मौत में द वर्ल्ड, दुनिया विल बी जो है महरूम हो जाएगी ग्रेट पोएट अजीम शायर से। शायर जाहिर करता है द फॉलोइंग फियर, ये खदशात ये खौफ इस जो है वो सॉन्ट में। शायर इज़ अ वेरी इमेजिनेटिव, बड़ा जो है वो एक तस्वर आती है। ही हैज़ कीन पावर, रखता है गहरी जो है वो मुशाहदा, तेज़ हिस। ही हैज़ लॉफ्टी, रखता है शानदार ख्याल, और जो है वो थीम ऑफ ऑफर द वर्ल्ड, दुनिया को पेश करने के लिए। ही इज़ अफ्रेड, वो डरता है। दैट ही मे डाई, को मार जाएगा जो है लिखने से पहले, अपने ख्याल अपनी जो है वो पोइम्स के अंदर से लिखने से पहले वो मर जाएगा। ही वांट, वो चाहता है लिखना एक बहुत ज़्यादा नंबर के लिहाज से किताबें, इन दीज बुक्स, इन किताबों में। ही टेंड टू प्रेजेंट हिज ओन मेंटल, वो अपनी जहनी जो है वो फ़िलासफ़ी पेश करता है। ही हैज़ मेच्योर, रखता है पुख्ता जो है वो, एंड रिप फिलासफी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की। ही इंटेंड्स टू प्रिजर्व दैट फिलासफी इन द बुक्स। ही सीज, वो देखता है क्लोज बादलों को ऑन द स्काई, आसमान पर। ही हैज़ डिस्कवर्ड, कहता है न्यू ब्यूटी, नई खूबसूरती, एंड वंडर हैरान इन देम, इन से। ही वांट, वो चाहता है टू एक्सप्रेस, इजहार करना ही इज़ रोमांटिक, अपने रोमांटिक आइडियाज़ ख्याल अबाउट द क्लाउड्स, बादलों के बारे में। इन हिज पोएम रजन में, ही इज अफ्रेड, वो डरता है दैट ही मे डाई, मर जाएगा बिफोर ही राइट अबाउट थीम, थीम लिखने से पहले। ही इज इन, वो है जज्बाती लव, रखता है विद द ब्यूटीफुल, खूबसूरत यंग, एक नौजवान लड़की के साथ। वो चाहता है इंजॉय करना द डिलाइट ऑफ हिज लव, यानी कि प्यार का मज़ा लेना। बट ही इज अफ्रेड, वो डरता है दैट हीज अर्ली डेथ विल सेपरेट हीज बिलोव्ड, के जो है वो उसकी जो है वो जल्द मौत जो है वो उसको जुदा कर देगी उसकी जो है वो महबूबा से। ही होप्स, वो उम्मीद करता है टू बिकम द ग्रेटेस्ट, अजीम जो है शायर बनना, टू शाइन एज द मोस्ट पॉपुलर फिगर ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, तारीख के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक हर दिल अजीज शख्सियत जो है वो बनने के लिए। इज अर्ली डेथ, इसकी जो है वो जल्द मौत विल जो है वो इसको महरूम कर देगी हिम इसे ऑफ अटेनिंग द हाइट्स ऑफ फेम, यानी इसकी जल्द मौत इसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचने से पहले जो है वो महरूम कर देगी। ये तो था बेटा आज का जो है वो क्वेश्चन शायर के, मैंने जो है उसके खौफ खतरा था जो आपको रीड आउट करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।